जा रहे हो तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ जाना ही पड़ेगा मत जाओ यार से पति भगवान सबको दे नजर ना लगे अगर आपको ठंड का सच में मजा लेना है ना सो दिस इज योर प्लेस This is your very own Ankita Sharma और Ankita's World में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. So guys, this video is going to be get ready with me for पता नहीं कहाँ के लिए, लेकिन it's going to be a get ready with me video. तो चलो फिर हो जाते हैं शुरू. Ready, ready, ready. So guys, आज हम पहने वाले हैं अपनी ये ब्लैक ड्रेस जो कि काफ़ी टाइम से बंद है पड़ी हुई अंदर ही. तो मैंने सोचा चलो आज इसको पहनते हैं. तो ये एक टर्टल नेक तो नहीं है ये, बट थोड़ी सी हाई नेक टाइप ही है और इसके नीचे इस तरह की फ्लेयर्स हैं. तो हम इस ड्रेस को स्टाइल करने वाले हैं. ये हमने जस्ट डैगिंग ऑलरेडी पहन रखी है, तो अब इसको स्टाइल करते हैं. चलो तो हम अब बन गए मामेड. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. तब जल्दी से मेकअप थोपते हैं. मेकअप तो नहीं थोपना है, बस थोड़ा लिपस्टिक लगाएंगे, थोड़ा क्रीम लगाएंगे. और मेरी शक्ल बहुत वाहियात आ रही है यहाँ से. इतनी वाहियात मैं लग भी नहीं रही हूँ यार. मैं थोड़ी ठीक ही लग रही हूँ, बट इसमें बहुत वाहियात दिख रही हूँ मैं. चलो अब हम रेडी होते हैं जल्दी जल्दी से. सो गाइस, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ. तो अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से जाऊँगी. बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गाइस, मैं तो रेडी हूँ. मैंने अभी जैकेट ये वाला पहन रखा है क्योंकि उस वाले जैकेट से बहुत ठंड लग रही थी. तो मैंने सोचा चलो इसको पहन लेती हूँ, बूमर जैकेट. तो अभी ना मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ जिससे मैं आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगी. कौन कहता है कि हमेशा लड़कियाँ लेट करती हैं. तो आज मैं आपको ऐसे एक लड़के से मिलाने वाली हूँ जो कि मुझे 10:15 पे बोला था कि रेडी होके रहना. मैं 10:15 से भी पहले की रेडी होके रही हूँ और अभी तक वो लड़का खुद नहीं आया. ही इज़ माई फ्रेंड, तो वो ऑन द वे तो नहीं है क्योंकि उसका अभी तक मुझे कॉल भी नहीं आया. उसने बोला था कि जैसे ही वो निकलेंगे अपने घर से तो ही गोना कॉल मी, लेकिन अभी तक मुझे उनका कोई कॉल नहीं आया. तो मुझे लगता है ही इज़ लेट. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी लेट लतीफ लड़के कैसे दिखते हैं. तो बने रहिए अंकिता शर्मा के साथ और देखते रहिए अंकिताज वर्ल्ड. गाइस, मुझे ना ठंड लग रही थी. पहले मैंने डेनिम पहना था, अब मैं सोचूं कि यार ये जैकेट पहनना इज मच सेफर. कहते हैं लोग है ना, डोंट ट्रस्ट अ गर्ल, लेकिन हमारे पास ऐसा लड़का भी है जिसको ट्रस्ट करना. और यही इंसान है जिन्होंने हमें 10:15 का बोल के खुद 11 बजे आ रहे हैं, 11:30 बजे. सजग सभी लोगों से ये मैं प्रार्थना और अनुरोध है, इस तरह का कुछ भी नहीं है. भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं. हम रात को 2 बजे पहुंचे हैं तो हमारी नींद नहीं खुल पाई. ओहो, 1:30 1:00. दिस इज अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, सो डोंट यू थिंक मेरा देश बदल रहा है. और इससे फील बिल्कुल आ रही है जैसे कि इट्स अ प्लेइंग कार बच्चों वाली. सो गाइज, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं आखिर जा कहाँ रही हूँ. तो मैं आ जा रही हूँ राष्ट्रपति निवास मशोबरा. तो हम अब यहाँ पर पहुँच ही गए हैं. थोड़ी देर हमने चेक इन करा और हमने यहाँ पर अपना एंट्री करवाई. एंट्री करवाने के बाद हमें सीधे अंदर ले जाया गया. जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे टू प्रमोट राष्ट्रपति निवास मशोबरा. तो उसके बाद हमने सर से कुछ बातें करी. और इन्होंने बाकी बताई दी मैं हिमाचल से हूँ. सो गाइस, आज है हम राष्ट्रपति निवास. ये मशोबरा में वैसे तो इसकी लोकेशन आती है, लेकिन ये वैसे शराबड़ा से एक रोड कटता है, वहाँ से ऊपर आकर आप यहाँ पर आ सकते हो आराम से. तो ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी. जैसे कि यहाँ पर ऑर्चर्ड भी है, तो आप देख सकते हो एप्पल ऑर्चर्ड वहाँ पर दिखाई देंगे आपको. एप्पल का छोटा सा यहाँ पर एक गार्डन सा दिखाई देगा आपको. और टुलिप्स जो कि बहुत कम कम जगह पर होती है, तो यहाँ पर टुलिप गार्डन भी है. आजकल ही थोड़ा सा ठंड वाला सीज़न अभी भी चला हुआ है. इट्स मार्च राइट नाउ, सो अभी आपको देखने को कम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको तुलिप भी देखने को मिलेगी. ऑर्चर्ड्स हैं और ऑब्वियसली द हेरिटेज बिल्डिंग, तो इसका भी आनंद आप ले सकते हैं. इट्स अ हिडन जेम. अभी एक साल ही हुआ है इसे ओपन हुए लोकल विजिटर्स के लिए. तो अगर आप शिमला आ रहे हो देन आई थिंक दिस शुड बी इन योर बकेट लिस्ट फॉर श्योर. यू कैन एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल साइट है. मैं आपको इसका बैक साइड से दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स. देखो दिस इज हाउ अंकिता मेट्स अंकित. यस, हाँ, सिर्फ एक का फर्क है, बाकी सेम है सारा. तो ये है अंकित भैया. अच्छा चलो कोई चक्कर नहीं, मैं आता रहूंगा ये फिर. और इस वक्त अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड. हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं. और भाई जो ठंड की बात करें तो यहाँ पर है काफी ज्यादा कातिलाना तरीके से ठंड यहाँ पर. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड की ओर और हमारे साथ है अंकित भैया.
आप अगर और हमारे साथ है दीपक भी कोर्ट केस में हमारे साथ और अंकिता जी हमारे पता होगा सबको ये व्यवस्था तो आनी से है ये तो अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड की ओर और जो ठंड है यहाँ पर भाई कंपकपाते वी आर शिवरिंग बैडली और हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर ये देखो पीछे और हमारी गाड़ी बंद होते हुए कोई चक्कर नहीं और रुकी हुई गाड़ी यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया पर अब हमें धक्का देना पड़ेगा हम भी थोड़ा दो तीन लोग बैठे ना बात कोई नहीं हम करते हैं इनको बैठने दो देखो तो इस तरह से बिचारी लगा देंगे सर कमाल के ओ गड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी ये हो गई बाय पुरुष समाज मारा गया और ये हमारी गाड़ी आगे बढ़ती और बेचारे वो पीछे रह गए दिस इज हाउ आई फील घुमाते रहो ना भैया घुमा लो प्लीज थोड़ा सा हाउ इज द जोश गाइस और ये लुप्त उठाते हुए हम लोग राइड विद प्राइड तो ये देखो लुप्त उठाते हुए राइड का दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन इसको बोलते हैं पैसा वसूल राइड फ्री वाला उसको नीचे बिठाया गया काट के प्लेन किया गया क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग में दिक्कत होती थी वैसे उससे भी पुराने टाइम में जाएं तो जब ब्रिटिशर्स जिस इलाके में रहते थे शिमला में तो पीठ पूजा करने की बात कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखो ग्लो वापस आ गया तो हमने शूट भी किया उसके बाद हमने लंच फिनिश किया उसके बाद इन्होंने हमें बहुत ही प्यारे से क्यूट से गिफ्ट हैम्पर भी दिए इनको देख के यहाँ पर ये वाली फील आ रही थी दो अनजाने अजनबी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे चल रहा था फोटोशूट क्योंकि अगर आपने देखा होगा आजकल एक लड़का वायरल हो रहा है कि मैं आपके फ़ोटोज़ ले लूँ आई एम पैशनेट फोटोग्राफर तो ये है वो लड़का इस तरह का व्यू आप इन्जॉय करने वाले हो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो ये दो आई थिंक पर्टिकुलर इसका कुछ नेम है इन ट्रीज़ का तो ये जो दो ट्री है यहाँ पे वैसे तीन ट्री है इस तरह के पूरे इंडिया में सिर्फ 5 ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्योंकि इनकी इनमें जो पेटल्स आती हैं वो अपना कलर चेंज करती रहती है तो ये देखिए हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पर है राष्ट्रपति निवास वैसे जो विजन है हमारी राष्ट्रपति जी का है कि इसे ओपन कर दिया जाए बिकॉज दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू द नेशन सो ये हर एक इंसान का ये हक है कि वो यहाँ आए विज़िट करे और देखे कि किस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पर भी है ये वैसे राष्ट्रपति निवास जो है 4 ही पूरे इंडिया में है एक एज ऑफ माय इंफॉर्मेशन एक ये शिमला में है और एक एक कोलकाता में है शायद और एक देहरादून में है विच इज़ नॉट ओपन फॉर द लोकल विजिटर्स तो मतलब किसी के लिए भी ओपन नहीं है तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी निवास करते हैं और जो एक है वो दिल्ली में है सो 4 बिल्डिंग्स हैं जा रहे हो तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ जाना ही पड़ेगा मत जाओ यार मत जाओ सानू जाना पौगा क्या होता पैना इतनी है सानू जाना पैना सानू जाना पैना ठीक है बाय बाय कर दो बाय बाय कर दो ओके बाय हां जी हां जी यार कोई अगर है तो एवरीवन इज वॉकिंग ऑफ राइट नाउ तो अब चलो घर चलते हैं माय पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल अगर आप कभी भी शिमला आने का सोच रहे हैं तो ये वाली बिल्डिंग ज़रूर विजिट करना नॉट जस्ट बिल्डिंग आप बहुत कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाला है और टिकट रहेगी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की जिसमें आप इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर हेलीपैड भी है तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हो ऑब्वियसली दैट हेरिटेज बिल्डिंग और टुलिप गार्डन और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है और द अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ये वाली साइड बहुत पसंद आने वाली है तो वी विद अस एंड एंजॉय द हिल एरिया एंड ऑब्वियसली ठंड भी बहुत ज़्यादा है अगर आप ठंड लवर हो तो प्लीज़ यहाँ पर आओ यार आई नो दिल्ली वाले लोग बहुत पसंद करते हैं ठंड को तो ये आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए
ये देखो हस्बैंड के फायदे, ये देखो हस्बैंड के फायदे। एक हस्बैंड जी इधर, एक हस्बैंड जी उधर, इंतजार कर रहे हैं वो हाँ, कि मेरी बारी कब आएगी। ऐसे ऐसे पति, ऐसे पति भगवान सबको दे, ऐसे पति भगवान सबको दे, नजर ना लगे। सो गाइस, अब हम चल पड़े हैं यहाँ राष्ट्रपति भवन को बाय बाय बोल कर वापस घर की तरफ। तो ये आप देख रहे हो श्रावड़ा के लिए यहाँ से रोड जाता है अंदर, यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा सा बोर्ड भी दिखाई दे देगा और यहाँ पर एक टेंपल भी है। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से ढली की तरफ और ढली से हम जाएंगे सीधे शिमला। यही मौसम भी ख़राब होता हुआ और ऑलमोस्ट इट वॉज़ अबाउट टू रेन, तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था।